हमने तो ईमानदारी से रेस में कैंडिडेट नहीं दिया। हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब ने कांग्रेस पे भरोसा किया और इसलिए हम लोगों ने ईस्ट में फॉर्म भरा, वेस्ट में फॉर्म नहीं भरा और ए बी फॉर्म भी हमने किसी को नहीं दिया। कांग्रेस ने भी एन वेड़ी पर एन टाइम पर जब लास्ट पीरियड चालू था तो इन्होंने हमको धोखा दे के चुपके से ए बी फॉर्म मंगा के संतोष शेट्टी को दे दिया। और संतोष शेट्टी जब फॉर्म भरने आए तो आज़ाद निशान पर आए, कांग्रेस झंडे बनने के साथ उनका नहीं आए। इसकी वजह ये थी कि उसको भी नहीं मालूम था कि उसको ए बी फॉर्म मिलने वाला है, लेकिन कांग्रेस के मन में घात था, यहाँ के लीडरों के मन में घात था, उन्होंने घात किया, धोखा दिया हमको और उन्होंने संतोष शेट्टी को ए बी फॉर्म दे दिया। अब रहेगा वेस्ट में हमारी पार्टी खड़ी नहीं है, लेकिन वेस्ट में हमारे अपने लोग हैं, पार्टी का संगठन है, पार्टी के लोग हैं। वो हमारी 8 तारीख को मीटिंग है समीर कंपाउंड में, उस मीटिंग में पार्टी के अहदेदार, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग बैठ के तय करेंगे कि कहाँ हमको जाना है, किसके साथ काम करना है, किसका सपोर्ट करना है। वो 8 तारीख को हम तय करेंगे पार्टी की मीटिंग के बाद माननीय अबू आसिम आजमी साहब को प्रस्ताव भेज के, जो ऊपर से आदेश आएगा वो काम हम लोग करेंगे। संतोष शेट्टी की बात तो मैं आपको बता दूँ कि संतोष शेट्टी का जो कांग्रेस से कैंडिडेट दिया, पहली बात तो लाल बाग से तो मुसलमान लड़ेगा नहीं, मुसलमान ईस्ट वेस्ट से या मुंबई की कुछ मुस्लिम सीटें हैं, माइनॉरिटी की सीटें हैं, उसी सीट से लड़ सकता है। इन्होंने संतोष शेट्टी को उतार के समाजवादी पार्टी को हारने का काम करने का काम किया है। इन्होंने शिवसेना को जिताने के लिए संतोष शेट्टी को खड़ा किया ताकि शिवसेना जीत जाए और समाजवादी पार्टी हार जाए। इनकी सोच ये है कि जीतना नहीं है, इनकी सोच है कि समाजवादी पार्टी भिवंडी में अपना कदम नहीं जमा पाए, समाजवादी पार्टी हार जाए, ये इनकी रणनीति हमेशा रही है। फलाना आदमी के टाइम पर मुजफ्फर हुसैन को लाके इन्होंने फलाना आदमी को 1600 वोट से हराया, इनकी रणनीति हमेशा रही है कि समाजवादी पार्टी नहीं जीते, भले से शिवसेना जीत जाए, बीजेपी जीत जाए, ये इनका काम था। चुनावी मुद्दे विकास, आप भिवंडी शहर के अंदर देख लीजिए क्या हालत है, रोड नहीं, रास्ते नहीं, एजुकेशन नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई चीज़ नहीं भिवंडी के अंदर। जो खास तौर पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे को तो इस तरह कर दिया गया है कि खड्डे में रोड है कि रोड में खड्डा, यही मालूम नहीं पड़ता। एजुकेशन है ही नहीं, IGM हॉस्पिटल जितने सेंटर है कुछ कहीं कोई काम नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार लूट खटोच चल रहा है। और हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि रईस शेख के चुन के आने के बाद हम इन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे और जनता के बीच में एक अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करने की करेंगे। हम लोग जब भिवंडी से जो अबू आसिम आजमी साहब ने इस्तीफा दिया, उस टाइम अबू आसिम आजमी 2 जगह चुन के आए थे, भिवंडी से 2 आमदार चुन के आए थे, भिवंडी से रशीद भाई चुन के आए थे, रशीद भाई थे इसलिए अबू आसिम आजमी साहब ने मुंबई का रुख अख्तियार किया। गोविंडी भी माइनॉरिटी का शहर था, वहाँ बहुत तकलीफें थी, रास्ते नहीं, गटर नहीं, कुछ नहीं थी, जिसकी वजह से अबू आसिम आजमी साहब ने फैसला लिया और हम लोगों ने कहा कि वो फैसले को हम लोगों ने मान लिया, क्योंकि यहाँ पे अबू आसिम आजमी नहीं थे लेकिन अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब हमारे साथ खड़े थे और वहाँ पे मुंबई में उनकी बहुत ज़रूरत थी। आज गोविंडी सुधर गया, वो भी हमारा हल्का है, वो भी हमारे लोग हैं, वहाँ पे भी हमारे लोग बसे हुए, उनकी भी बहुत ख़राब परिस्थिति थी जो आज अबू आसिम आजमी साहब के जाने से दूर हो गई। और इसीलिए रईस शेख को लाया गया है कि भिवंडी को सुधारना है, भिवंडी को बदलना है, इसलिए रईस शेख को भिवंडी से उतारा गया है।